अकाउंटिंग रेशियोज़। सो अकाउंटिंग रेशियोज़ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है, फिर उसके बाद में आपका क्या बोलते हैं, टर्नओवर रेशियोज़, ठीक है ना, ऐसे ही बहुत सारे रेशियोज़ होते हैं। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे लिक्विडिटी रेशियो में आपके दो तरह के रेशियो देखने को मिल जाते हैं, एक आता है आपका करंट रेशियो, एक आता है क्विक रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। करंट असेट्स कैसे कैलकुलेट होती है, आपको पता है करंट असेट्स क्या होती है, जो कि 12 महीने के अंदर अंदर होती है या फिर ऑपरेटिंग साइकिल से लेस देन होती है पीरियड में, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं करंट असेट्स, सॉरी, ठीक है। अब करंट असेट्स में से आपको क्या ध्यान रखना है कि करंट असेट में से आपको इन्वेंट्री जो होती है उसमें से लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स की वैल्यू डिडक्ट करनी है, और जो क्या बोलते हैं डेटर्स होते हैं उनमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लेस करके लेना है, ठीक है। अरे एक सेकेंड, ठीक है। फिर आता है आपके पास में लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो क्या होता है? लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। क्विक एसेट्स कैसे आता है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स, ठीक है, ये होता है हमारा क्विक एसेट का फॉर्मूला। फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ, जो कि सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होते हैं? सॉल्वेंसी रेशियोज में हमारे पास में जैसे पहला रेशियो जो आता है वो आता है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो फॉर्मूले से ही पता नाम से पता चल रहा है, डेप्ट अपॉन इक्विटी इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। डेप्ट क्या होती है? डेप्ट होती है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी, तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप इक्विट करके लिख सकते हो, नॉन करंट लाइबिलिटी अपॉन इक्विटी। क्या होती है? इक्विटी होती है शेयर होल्डर फंड, अपॉन में शेयर होल्डर फंड। तो ये आ जाता है आपका क्या? डेप्ट अपॉन इक्विटी, यानी नॉन करंट लाइबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड। इसके और भी फॉर्मूला है, जैसे अगर आपको टोटल डेप्ट के बनाए, टोटल डेप्ट क्या होती है? टोटल डेप्ट होती है नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी मैंने आपको बताया डेप्ट होता है प्लस करंट लाइबिलिटी, तो डेप्ट यहाँ से कैसे निकल जाएगी? टोटल डेप्ट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू डेप्ट, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो इक्विटी के फॉर्मूला दिया हुआ है। इक्विटी क्या बताया मैंने आपको? शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व और सरप्लस आता है, ठीक है। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स माइनस में टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट क्या होता है? टोटल डेप्ट मैंने आपको बताया अभी, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस में करंट लाइबिलिटी, ठीक है। टोटल असेट्स नॉन करंट असेट्स प्लस में करंट असेट्स। करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो इक्विटी का एक और फॉर्मूला क्या बन गया? नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है, माइनस डेप्ट भी बोल सकते हो इसको, ओके। ये डेराइव हो गया। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, करंट असेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी, ओके ना। देखना, ये होती है हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अगर आपको टोटल असेट्स गिवन है तो आपको मतलब टोटल नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स का समीशन गिवन है। अगर अगर नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी गिवन है तो वो टोटल डेप्ट गिवन है, ठीक है। अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस में नॉन करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड प्लस में नॉन करंट लाइबिलिटी होता है, तो इक्विटी यहाँ पे बोला शेयर होल्डर फंड को और नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट है। चलो ये हो गया हमारा। उसके बाद में टोटल असेट टू डेट रेशियो, तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल असेट अपॉन डेप्ट। फिर प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल असेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब ये इंटरेस्ट कैसे निकलता है? अरे एक सेकेंड, ये ऊपर चला गया। हाँ, तो इंटरेस्ट कैसे निकलता है वो हम देखते हैं। देखो, अगर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको गिवन होगा, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको गिवन होगा, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। कैसे निकलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में 100 माइनस 100% माइनस जितनी भी रेट है, रेट परसेंट। लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें गिवन है 20,000 और हमें रेट गिवन है टैक्स ही लेट सपोज 50%, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा? इससे
तो 20,000 अपॉन में 50%, जो कि 50 इंटू में 100 हो जाएगा, 50/100 आएगा, तो वो अपॉन नीचे ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये ऐसे हो जाएगा आपका 20,000 इंटू 100, तो ये हो गया ठीक है 20 लाख अपॉन में 50, 0 से 0 कटी, 5 4 20, तो ये आएगा 40,000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब अगर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है तो प्लस कर देना इंटरेस्ट को, ठीक है ना, प्लस कर देना इंटरेस्ट को। अच्छा हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट को अपॉन में रखना पड़ेगा, क्लियर है, जो भी आप प्लस करोगे ना उसको अपॉन में भी रख देना। उसके बाद में एक्टिविटी रेशियोज या फिर टर्नओवर रेशियोज कह सकते हैं इसे, तो पहला है इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, एक मिनट दीजिए। हाँ जी, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है कॉर्फो अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, कॉर्फो अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो कॉर्फो अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, तो जो कॉर्फो होता है ना वो बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। समटाइम्स चेंज इन इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, है ना, तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अगर क्लोजिंग ज़्यादा है ओपनिंग से तो हमें डिडक्ट करना होता है, क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है सेल्स माइनस जीपी, ये होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला, ठीक है। चलो आगे बढ़े, जैसे इट या तो यहाँ पे हमें क्या दिखा है, यहाँ पे हमें लिखा है कि अगर बाय चांस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैलकुलेट नहीं कर पाते तो फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग दिस रेशियो, ठीक है। ओके नेक्स्ट है हमारे पास में, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर आप देखना चाहो तो, अगर क्लोजिंग स्टॉक 2 टाइम ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से तो ओपनिंग स्टॉक विल बी एक्स एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी एक्स प्लस 2x, करेक्ट। फिर यहाँ पे देख सकते हो ये है हमारा किसका फॉर्मूला, अभी मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, एक फार्मूला और होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये फार्मूला एक और होता है। ओके इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, एवरेज इन्वेंट्री होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2। बाय चांस मान लो ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगी, ठीक है। चलो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलता है, जस्ट वेट। सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला होता है क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन में 2। अब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल में आपका ट्रेड रिसीवेबल में क्या आ जाता है, डेटर आ जाएगा और आपका क्या बोलते हैं उसको बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली एक और रेशियो होता है इसी का उल्टा जो कि होता है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, उसमें क्या होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेएबल, ठीक है। तो उसमें जहाँ जहाँ पे रिसीवेबल है वहाँ पे पेएबल आ जाएगा, और जैसे जो इसमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल होता है उसमें ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल हो जाएगा, और उसमें क्या आता है ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, ठीक है। बढ़ेंगे आगे,
डेप्ट कलेक्शन पीरियड की तरफ, तो डेप्ट कलेक्शन पीरियड होता है अपना 12 अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। ठीक है, अच्छा डेप्ट कलेक्शन पीरियड हो गया, डेप्ट पेमेंट पीरियड भी होता है 12 अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, अगर डेज में निकालना है तो 365 के अपॉन में कर देना। तो ये बता दिया मैंने आपको, देख सकते हो आप। उसके बाद में आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। सेल्स आपको पता है RFO, डैट इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वर्किंग कैपिटल का क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ बता दूँ, पहले समझना। सबसे पहले होता है हमारे पास में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप COGS लेस करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे, ऑपरेटिंग इनकम ऐड करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करोगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें आप टैक्स माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अब हमें क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इंटू 100। ठीक है, इसका आप लिख लेना, ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने लायक तो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग सुन लिया ना, सुनने के बाद लिख लेना इसको ढंग से। तो अब मैं आपको बता दूँ क्या है ये। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इंटू 100। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट का एक तो फॉर्मूला होता है आपका, मैंने बताया था, जो COGS का होता है उसको इधर उधर करके निकाल सकते हो। अच्छा ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है देखना, मैंने आपको क्या बताया था अभी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप COGS लेस करते हो तो आपके पास में आता है क्या, GP। ठीक है, इसमें आप लोग प्लस करते हो ऑपरेटिंग इनकम, माइनस करते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आपका क्या आता है, आपके पास में आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा तो अब आप लोगों को क्या चाहिए, अब आप लोगों को चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, डेली के खर्चे जो होते हैं ना, वो होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, COGS प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, COGS प्लस एक सेकेंड रुको कहाँ गया रेजर, ये रहा। सो इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, एक मिनट रुको, ये रब ही नहीं हो रहा, अरे जस्ट वेट। हाँ तो हम थे ऑपरेटिंग कॉस्ट पे, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर दिया करूँ तो वो आ जाएगी ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्लियर है, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, COGS प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों को बाय चांस अगर COGS गिवन नहीं है तो आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, एक तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, एक आपका आ जाएगा सेल्स माइनस GP, एक आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस नेट परचेज स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, फिर प्लस में चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड और प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है, ये इससे निकाला है, ये अपना आया है स्टेटमेंट ऑफ P&L से फॉर्मूला। क्लियर है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं उसको,
अच्छा एक चीज़ सुन लो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपका जाता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, फिर आपका आ जाएगा अमोर्टाइजेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ठीक है, इसी तरह के जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं ना, मतलब डे टू डे एक्टिविटी के, वो वाले एक्सपेंस आ जाते हैं, ठीक है। ये वाला रेशियो हमारा ख़त्म होता है, हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट रेशियो पे, जो कि है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूलेज दिए हुए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने आपको बताया था कैसे निकलता है, अगर आप एक मिनट, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में COGS लेस करोगे तो आपके पास आएगा GP, फिर GP यहाँ पे आ गया, GP में माइनस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस कर दो ऑपरेटिंग इनकम, तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर बाय चांस आपको GP ही आना है तो कैसे निकालोगे, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। अगर बाय चांस आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, नीचे से निकालना पड़ेगा, फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे से नेट प्रॉफिट में प्लस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, माइनस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग इनकम, तो आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्लियर है। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और जो ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है ना, उसका जो समेशन होता है वो 100% आता है, हमेशा हमेशा 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारा ये हो ही गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, नेट सेल्स माइनस COGS प्लस में ऑपरेटिंग, माइनस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो ये यहाँ से बताया इसने, सेल्स माइनस COGS माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम भी होगा अगर आपको गिवन है तो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग इनकम के नाम पे केवल डिस्काउंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड आपको देखने को मिलेगा, वैसे वो आता नहीं है फिर भी कई बार आ जाता है। ओके, तो ये आ गया ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100। नाउ नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो होता है नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इंटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक हम पहुँचे थे, इसमें प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। और अगर GP से निकालना है तो GP से आपको पूरा लिखना पड़ेगा, देखो आपको मैं वो टेबल बताती हूँ मैं दोबारा से। हाँ, तो हमारे पास में GP था, GP में हमने माइनस किया था ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस किया था ऑपरेटिंग इनकम, तो हमारे पास में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मैंने माइनस किया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस किया नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो मेरे पास में आया नेट प्रॉफिट। तो अब मेरे को अगर GP से आना है तो GP से ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। इसको रटोगे तो याद नहीं होगा, सीखो ढंग से। तो अब बात करते हैं ROI, डैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। सो ये इम्पोर्टेंट रेशियो देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। डिविडेंड यूजुअली देखने को नहीं मिलता है तो इग्नोर मार सकते हो, बाकी इतना भी इग्नोर मत मार देना कि कभी मिल जाए और आप करो ही नहीं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में जैसे नेट प्रॉफिट हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला था ना, उसी तरह से हम लोग इसमें इंटरेस्ट का भी माइनस प्लस करके निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ROI बोले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। सो बताती हूँ मैं आपको, देखो एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, अगर आपको बाय चांस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है 100 रुपीज़ और टैक्स गिवन है 40 रुपीज़, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल बी इक्वल टू, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू जो भी नेट प्रॉफिट है इंटू 100 अपॉन में 60। ये पता है कैसे किया, 100% माइनस टैक्स रेट करते हैं ना, वही किया है। ये सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको रद्द कर देते हैं फटाफट से।
आगे बढ़ेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, तो शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी शेयर होल्डर फंड में ही आ जाता है ये तो, है ना, ठीक है, तो प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अगर असेट साइड अप्रोच लगानी है तो ये वाली ध्यान रख लेना कि नॉन करंट असेट्स प्लस में वर्किंग कैपिटल, इसमें मतलब बेसिकली क्या है, नॉन करंट असेट्स प्लस में करंट असेट्स यानी टोटल असेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी, टोटल असेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, तो ये हमारा रेशियो वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पे ओवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैश फ्लो करेंगे, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।